अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज की जो वीडियोस का सीन कुछ इस तरह है, हमारा प्लान बना गया हम इसी कुल बीच पे चलते हैं और आज का व्लॉग में बहुत सारी इंटरटेनमेंट होगी, फ़न होगा, मज़ा होगा। व्लॉग एंड तक देखिएगा। अभी फ़िलहाल हम अलमा जा रहे हैं कुछ नाश्ता करने, क्योंकि अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो यार अभी हम इनके जो बस स्टैंड है वहां पर हम आ गए हैं और हाँ, और यहाँ से हम अभी इसी कुल का जो बीच का बोस्तेरी जो जगह है वहाँ का मशरूत का उस पर बैठेंगे और रेंट वगैरह मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मस्कोल का सॉन्ग गुरु 350 ओके ओके। तो यार ये है इनका बस स्टैंड, ये इनके मशरूत के होते हैं, यहाँ से ऐसी बसें चलती हैं। पाकिस्तान वाला कोई सीन नहीं कोस्टर शोस्टर वाला। यार इसी कुल जो डिस्ट्रिक्ट आई गेस उधर हम एंटर हो चुके हैं और ये लेक भी शुरू हो चुकी है काफ़ी पीछे से, मतलब बीच जो है काफ़ी पीछे से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी इनके पता नहीं काफ़ी मुल्क के हर हिस्से से, हर सूबे से, हर जगह से, लाइक स्पेसिफिकली कोई प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं। तो वो देखें पीछे पूरी इन्होंने ट्रैफिक जैम की हुई है, आप देख सकते हैं मतलब टोटली पीछे। तो हम भी इनका वेट करें। जो हमारा पॉइंट था बोस्तेरी वो तकरीबन 30 मिनट की फासले पता, लेकिन खैर हम लेट हो गया। तो यार बोस्तेरी जिस जगह में आना था मार्च के, और वीकेंड है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी मैं डाउट है यार रूम मिलता है या नहीं मिलता, लेट्स सी अभी यहाँ पर कितनी जलालत होने वाली है। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पर, सही है। ये पीछे सारी रोड हम चल के आए हैं, सारे रेस्टोरेंट्स और सॉरी होटल्स हैं यहाँ पर जहाँ पर हम रूम ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे जाके लेंगे बीच के पास। तो यार फाइनली हमें रूम मिल चुका है और हमने बीच के पास लिया है और काफ़ी मुश्किल से मिला है, इतना चल के हम आए। और लेकिन खैर सबर का फल मीठा है। और अभी हम जा, और ये मैंने गले में वाटरप्रूफ केस पहन लिया और अभी हम जा रहे हैं बीच पे मज़े मारने। ये है जी हमारा होटल, ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये हमारा होटल है और ये बीच के बिल्कुल पास है। लाइक ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इस तरह लाइक समझो कि छोटे छोटे घर बने हुए डोम टाइप, और बस वो सामने बीच है और यहाँ पर लोग रेंट पर लेते हैं। ये पीछे भी आप देख सकते हैं। रूम टूर मैं आपको आके दूंगी और बताऊंगी कितने में रूम मिला और क्या सीन था। और अभी फ़िलहाल बीच पर चल के आपको बीच के सच के दिखाते हैं। Thank you.
अभी ना अक्सर नहाने गई थी अंदर, लाइक थोड़ा सा पानी में गई तो वो गलती से गिर गई और पूरी गीली हो गई, और फिर उसने मुझे आवाज दी, मैं उसको पकड़ने गई ना तो उसका मुंह मेरी शर्ट के साथ लगा और ये सारा उसका मेकअप मेरी व्हाइट शर्ट पे लग गया। ये लड़की मेकअप की दुकान। ये हम है, ये इसिकुल बीच है और यहाँ पर पारी हो रही है। तो यार हम तो वैसे किनारे किनारे पे, लेकिन ये कज्जू लोग काफी दूर दूर तक जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। हम तो डर ही बहुत रहे हैं, क्योंकि हमारे एक भाई की डेथ हुई थी इसी बीच पे अभी कुछ दिन पहले, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। खैर हम उस राइड पे बैठने जा रहे हैं, तो कोशिश करूंगी कैमरे से आपको दिखा सकूं। तो यार हम ना ये वाली राइड करेंगे अभी, ये वाली राइड। यार अभी अभी हम ये करके आए हैं और यकीन करें इतना मैं डरी हूँ, इतना डरी हूँ कि अक्सा और बस ना ही पूछे क्या सूरत हाल थी। आखिर तो आप यकीन करें, आपको अभी वीडियोस मैंने बनवाई हैं किसी से, आप वीडियो देखेंगे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि बस अभी डूब कर इतना गहरा पानी है। तो यार ये है हमारा होटल, ठीक है, ऐसे ऊपर कमरे बने हुए हैं, 2 रूम 3 रूम से ही आपने जितना लेना है। तो अभी फिलहाल मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये ऐसे बालकनी टाइप बनी हुई है, छोटी सी टेरेस, ठीक है, और भी ये रूम की एंट्रेंस है। अभी हमने थोड़ा गंदा किया क्योंकि अभी अभी हम बीच से आए हैं और अभी हमने कपड़े शपड़े निकाले, हम नीचे देख सकते हैं। तो ये बस छोटू सा रूम है, 2 बेड हैं और ये एक पर्दा है बस, और ये वॉशरूम है। अभी फिर अलेक्सा नहा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यार ये जो रूम है ये हमने लिया है, ठीक है, छोटू सा है, कंफर्टेबल सा है, खजाइन भी बहुत अच्छी है, बीच से तकरीबन 3 मिनट की वॉक है यहाँ से, मतलब सब कुछ करीब है। और जो ये हमें मिला है ये पर नाइट 400 पर पर्सन, तो हमने दो रातों के लिए लिया है इसको, 1600 पे ही है, अच्छी खजाइन है और अभी थोड़ा गंद पड़ा हुआ लेकिन अच्छा है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। तो यार हम नहा धो के आ गए हैं और कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिए हैं। अभी इतनी सर्दी लग रही है ना यहाँ पर, मैं आपको हम बता नहीं सकते, शदीद किस्म की सर्दी है। तो एक सजेशन है, अगर आप इसी को लाते हैं तो कोई हुडी या कोई जैकेट शैकेट जरूर रख लीजिएगा। सुबह से भूखे हैं, अभी कुछ खाने की तलाश में निकल रहे हैं, कुछ अच्छा सा। यहाँ से हमने क्या बचने लिया है, मिस्टर किंग पिज्ज़ा से, ये देखें यहाँ पर इन लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई है, सर्दी है। ये हमारी इसी कूल की कॉफी, ये जी जी। तो यार ये हमारा बीच है और ये बीच के बिल्कुल किनारे पे हमें एक रेस्टोरेंट पसंद आया था, तो हमने सोचा यहाँ से खाते हैं, लेट्स सी इनका टेस्ट कैसा है। ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है और प्यारा सा है।
चीज हम नहीं बस यार ये भाई हमारे वाला अच्छा है यहाँ पर फूड पॉइंट्स हैं आइसक्रीम बॉयज गर्ल्स बन रहे हैं यार मुझे इस चीज समझ नहीं आ रही जिस रेस्टोरेंट में जाओ इतनी ऊंची गाने लगे हैं और ये लोग नाच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन यार अच्छी बात है इनका सेलिब्रेट करने का अच्छा तरीका है और यहाँ पर तो रोशनी ही रोशनी है। बेसिकली हमने ना जो अपना होटल लिया ना वो दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर लिया है और ये हम अपोजिट साइड पर हैं अभी वॉक करते करते और अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पर यार हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अपना बताऊँ मैं कभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसी कूल का तो मुझे ये था कि बस बीच है और कुछ भी नहीं लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पर लाइक बस यही समझे जैसे मरी में वो माल रोड नहीं होता साइड पे होटल्स होते हैं और वो रेस्टोरेंट्स होते हैं और पठानों की दुकानें होती हैं तो बस यही सूरत हाल है यहाँ पर भी रौनक है रात के टाइम और दिन में बीच तो अच्छा है। आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ चक्कर लगाएं आप ज़रूर। भाईजान इसके ऊपर अभी हम राइड करेंगे आसमान में इंशाल्लाह खैर करिए अच्छा।